एक दिन महाराज शांतनु गंगा नदी के समीप विचरण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक किशोर आयु के बालक ने अपनी धनुर्विद्या से गंगा नदी के प्रवाह को रोक दिया था। महाराज शांतनु उसकी ऐसी निपुणता को देखकर आश्चर्यचकित हुए और उससे उसका परिचय पूछा। उस समय देवी गंगा ने वहां प्रकट होकर महाराज शांतनु को उस बालक का परिचय देते हुए कहा, महाराज आज मैं आपका पुत्र देवव्रत आपको सौंपती हूं। इसने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में वेदों का अध्ययन किया है और धनुर्विद्या की शिक्षा स्वयं भगवान परशुराम से प्राप्त की है। ये आपका पुत्र आपके कुरुवंश का उत्तराधिकारी बनने के लिए सर्वथा योग्य है। ऐसा कहकर देवी गंगा नदी में विलीन हो गई और महाराज शांतनु अपने पुत्र को अपने साथ राजमहल ले आए। देवव्रत सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण थे और महाराज शांतनु को अपने पुत्र पर बड़ा गर्व था। देवव्रत से प्रभावित होकर महाराज शांतनु ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाकर राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। युद्ध कला में पारंगत देवव्रत ने अपने पिता के यज्ञ के लिए विश्व विजय का अभियान किया और सभी राजाओं को हस्तिनापुर के अधीन कर दिग्विजय का महान कार्य संपन्न किया। महाराज शांतनु युवराज देवव्रत को पाकर स्वयं को धन्य समझते थे और उसे राज्य का समस्त कार्यभार सौंपने का निर्णय कर चुके थे। एक दिन महाराज शांतनु यमुना नदी के समीप विचरण कर रहे थे कि उनका ध्यान एक महामोहिनी गंध की ओर आकृष्ट हुआ। उस गंध के स्रोत को खोजते हुए उनकी भेंट मछुआरे की कन्या सत्यवती से हुई। सत्यवती की दैवी सुंदरता को देखकर महाराज शांतनु का मन मोहित हो गया और वो उसके पास जाकर बोले, देवी कौन हो तुम? तुम्हारे रूप को देखकर तो लगता है कि तुम स्वर्ग की कोई अप्सरा हो और तुम्हारे शरीर से आने वाली ये मोहक गंध भी इस लोक से परे है। सत्यवती ने शांतनु को आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, महाराज मैं मछुआरों के राजा की पुत्री हूं और अपने पिता की आज्ञा से यहां नौका चलाने का कार्य करती हूं। सत्यवती से मिलकर महाराज शांतनु के मन में उससे विवाह करने की इच्छा हुई और अपनी इस इच्छा को लेकर वो सत्यवती के पिता से मिले तथा उनसे अपने मन की बात कही। महाराज शांतनु की बात सुनकर सत्यवती के पिता ने कहा, हस्तिनापुर नरेश, मेरी पुत्री के वर के रूप में आपसे अधिक महान पुरुष मिलना असंभव है, इसलिए मुझे इसका विवाह आपसे करने में कोई आपत्ति नहीं है। परंतु अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर मेरी एक कामना है। अगर आपको वो स्वीकार हो तो मैं आप दोनों के विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दूंगा। मछुआरे की बात सुनकर महाराज शांतनु ने उत्तर दिया, राजन आपकी बात सुने बिना मैं अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता। आप अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए और यदि मेरे सामर्थ्य में हुआ तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा और आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। सत्यवती के पिता ने कहा, ओ भरत कुल गौरव, मेरी कामना है कि आपके बाद मेरी पुत्री की कोख से जन्मा आपका पुत्र ही हस्तिनापुर का सम्राट बने और कोई नहीं। ऐसा वचन देना शांतनु के लिए संभव नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इसके बाद शांतनु दुखी रहने लगे और अपना समय ध्यान और चिंतन में व्यतीत करने लगे। एक दिन शांतनु इसी प्रकार चिंतन में लीन थे कि देवव्रत ने उनके पास आकर पूछा, पिताश्री राज्य में सब और शांति है, सभी राजा आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर भी आपका चित्त सदा उदास प्रतीत होता है, जैसे आपको कोई कष्ट हो। आपके मन में ऐसा क्या है जो आप किसी को बता नहीं रहे हैं? शांतनु ने अपने पुत्र की बात का उत्तर देते हुए कहा, पुत्र ये बात सच है कि मैं सदैव चिंतित रहता हूं। मेरे बाद भरत कुल की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने का दायित्व तुम्हारा है, तुम ही मेरे अकेले पुत्र हो। अगर दैव योग के चलते तुम्हें कुछ हो गया और तुम्हारी मृत्यु हो गई तो इस महान वंश को कौन आगे बढ़ाएगा? इसी चिंता से मेरा चित्त व्याकुल रहता है।
देवव्रत ने अपने पिता की बात पर शांतनु के एक पुराने मित्र के साथ विचार विमर्श किया और उनके पिता की इच्छा जानकर कुछ मंत्रियों के साथ सत्यवती के पिता से मिलने गए। सत्यवती के पिता ने देवव्रत का यथोचित सत्कार किया और उनको उत्तम आसन पर बिठाने के बाद बोले, युवराज, आपके पिता समस्त भारतवर्ष के सम्राट हैं और आप एक महान पिता की योग्य संतान हैं। आपके पिता के विवाह के प्रस्ताव को मना करना किसी भी पिता के लिए अत्यंत कठिन है, परंतु मेरी ये पुत्री भी एक महान राजा की संतति है और आपके पिता ही उसके लिए एकमात्र योग्य वर है। मेरी एक ही चिंता है कि मेरी पुत्री की संतान हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए आपकी प्रतिद्वंद्वी होगी और आपके सामर्थ्य के समक्ष वो नष्ट हो जाएंगे। मछुआरे की बात सुनकर देवव्रत बोले, ऐसी बात है तो मेरी ये प्रतिज्ञा सुनिए। मैं गंगापुत्र देवव्रत प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे पिता के पश्चात आपकी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा। देवव्रत की बात सुनकर मछुआरे ने कहा, मुझे आपकी प्रतिज्ञा पर कोई संदेह नहीं है। आप धर्मपरायण क्षत्रिय हैं और इन राजाओं के समक्ष आपने जो प्रतिज्ञा की है आप उसके अनुकूल ही आचरण करेंगे, परंतु आपकी संतान का क्या? एक पुत्री के पिता की इस शंका का निवारण कीजिए। मछुआरे की मन की बात जानने के बाद देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए ऐसी प्रतिज्ञा की जैसी उनसे पहले किसी ने नहीं की थी। देवव्रत अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अपने पिता के सुख को ध्यान में रखते हुए इन सभी राजाओं के समक्ष हस्तिनापुर के सिंहासन पर से अपना अधिकार त्याग करता हूं। तुम्हारी शंका का समाधान करने के लिए मैं गंगापुत्र भीष्म ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और अपना जीवन हस्तिनापुर सिंहासन की सेवा में समर्पित कर दूंगा। देवव्रत की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी राजाओं के रोंगटे खड़े हो गए। देवताओं, अप्सराओं और गंधर्वों ने आकाश से पुष्पवर्षा की और कहा, ये भीष्म हैं। उसके बाद देवव्रत ने सत्यवती से कहा, माता, मेरे साथ इस रथ पर बैठकर अपने महल चलिए। अपने पिता की आज्ञा से सत्यवती देवव्रत के साथ हस्तिनापुर आ गई। वहां आकर सभी ने शांतनु के समक्ष देवव्रत द्वारा की हुई प्रतिज्ञा के विषय में बताया। अपने पुत्र के इस त्याग के विषय में सुनकर शांतनु ने कहा, ये भीष्म है। ऐसा कहकर राजर्षि शांतनु ने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इसके पश्चात देवव्रत इस संसार में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए।